लाठियां चलाई तो लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं। ये जूते और चप्पल ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरीके से अव्यवस्था हुई है। जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जब पुलिस ने लाठियां भांजी, जब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जब पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, तो जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो छात्र विरोध में उतारे थे, उनके उनके सामने उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां चलाई है, हमने अपनी आंखों से देखा है। कुछ छात्रों के सर से, कुछ छात्रों के कान के नीचे से खून बह रहा था, लहू गिर रहा था। तो समझ सकते हैं कि जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने एक तरीके से जो जबरन उनका तरीका होता है उस तरीके से दबाया है। नागरिकता संशोधन बिल था, उसको लेकर इनका प्रोटेस्ट था, उसके खिलाफ उस बिल के खिलाफ जो ASF थे, ISA थे, इस संगठन के लोग आए थे और वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, तभी पुलिस ने लाठियां चलाई। हालांकि पुलिस ने पहले समझाया कि आप लोग तो यहां से हट जाइए, लगातार दो दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की आवाजाही ठप हो गई है, आवागमन बंद हो चुका है, लेकिन जब नहीं माने तब पुलिस ने लाठियां चलाई, 100-100 मीटर जो है वो छात्रों को दौड़ाया और तब जाके हालांकि फिर कुछ लोग आ गए हैं। जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की जाए, उसको लेकर जो है पहले नॉर्मल प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लेकिन आज भी जब हमने तस्वीरें सुबह एक घंटे पहले देखी थी तो ऐसी तस्वीर आ रही थी कि जहां पर प्रदर्शन जो है नॉर्मल वे में किया जा रहा था। क्यों आखिरकार पुलिस की तरफ से लगातार संवेदनहीनता बरती जा रही इन छात्रों पर? देखिए अनुपमा, आप अनुपमा एक चीज को एक चीज हमें समझनी होगी। कल जो पुलिस का जो लाठी चार्ज था, उसके अलावा आज का उसके 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 मुकाबले आज का जो लाठी चार्ज है वो उससे कहीं ज्यादा भीषण है, कहीं ज्यादा उसका प्रभाव दिखा जाएगा। जो पुलिस ने जो लाठी जो चार्ज किया है, जिस प्रकार से मारपीट की है, जिस प्रकार से आंसू गैस का इस्तेमाल किया है कि लोगों के पास भागने का विकल्प नहीं था, वो जान बचा के भागे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो बेतरतीब तरीके से लाठी चार्ज हुआ था। और अब जो ये छात्रों का जो विरोध है, अब जो ये छात्रों का जो ये छात्रों को जो खिलाफत है, ये काफ़ी आगे जाएगी, क्योंकि अब छात्र मानने वाले नहीं है। नागरिकता संशोधन बिल एक मुद्दा है जिसको लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो वहाँ पूरा मसला गर्म है, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, गुवाहाटी में आपने देखा था, डिब्रूगढ़ में देखा था, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, अब फिर यही लोग जो है वो फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए है। बहरहाल अनुपमा, बात प्रोटेस्ट के नहीं है, बात जो पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है, जो विजुअल हम लोगों ने प्ले किया है, जो विजुअल आपने भी देखा होगा, जिस तरीके से लोग भागे थे, जो ये कारगिल चौक जिस तरीके से भागे, जिस तरीके से क्या वे प्लान है, क्योंकि अगर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया जा रहा है तो आगे ये प्रदर्शन कहाँ तक जारी रहेगा? ये पोस्टर लगभग एक घंटे से हो रही पिछले से, उसके बाद ये पोस्टर एक घंटे तक और चलेगी। जी लाठीचार्ज हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे लाठीचार्ज किनारे में मतलब लाठीचार्ज ये पुलिस लोग कर दिया है, चोट आई, घायल हुआ, हॉस्पिटल लोग कुछ गए, कुछ हॉस्पिटल गए, कुछ लोग 5-10 लोग चोट आई है, जो हॉस्पिटल करता है ये सरकार, ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार पुलिस के वर्दी में गुंडागर्दी करता है, नहीं चलेगा ये। हम लोग जस्टिस चाहते हैं और CAB बिल का मुखालफत करते हैं और ये प्रशासन से नहीं डरने वाले हैं। मारो गोली जितना मारना है, बिल्कुल प्रीतम, हम देख पा रहे हैं कि कितनी गंभीर चोटें जो है उन छात्रों को लगी हैं, लेकिन देखिए ना, पटना की सड़कें जो हैं वो किस तरीके से युद्ध का क्षेत्र बन चुकी हैं। एक तरफ पटना को बिहार का दिल कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर RJD नेता भाई वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन दो दिन में पुलिस की ऐसी संवेदनहीनता देखने को मिली, जहां पर छात्रों पर किस तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और सरकार पूरी तरीके से मौन। देखिए, ये बिल जो है काला कानून है और पूरे देश में सर्वत्र इसका विरोध हो रहा है, और ये नीतीश कुमार कमड़ी ओढ़ कर बिहार की जनता का खून चूस रहे हैं और घी पी रहे हैं, और ये भी समर्थन किया है BJP के लोगों के का ये काला कानून का। इसलिए सभी जगह में, सभी महकमे के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, यहाँ तक विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी सड़क पर उतरकर कारगिल चौक पर और पुलिसिया रोब से लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, हम लोगों ने नारा दे दिया है लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, और हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
और वीरेंद्र जी, लेकिन वो मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष को मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, उन मुद्दों को लेकर देश के युवा सड़क पर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करनी चाहिए? विपक्ष पहले खड़ा था, आज भी खड़ा है, और 21 तारीख को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है और सभी दलों का समर्थन विपक्ष के लोगों से मांगने का काम किया है, और उस दिन पूरा बिहार एकदम बंद रहेगा और शांतिपूर्ण हम लोग बंद करने का काम करेंगे। ये तुगलकी फरमान जारी करने वाली सरकार के विरोध में जनता अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए विश्वविद्यालय में सभी लोग पढ़ते हैं और सबने इसका विरोध किया है, इस बिल का। आप जिस बिहार बंद का आह्वान करने वाले हैं, कौन कौन सी पार्टी आपको समर्थन दे रही है सर? ये सारी पार्टियां समर्थन करें, जितने भी हमारे महागठबंधन के लोग हैं सब लोगों ने समर्थन किया है और करेगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ छात्रों पर किस तरीके से लाठियां भांजी गई, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंसू गैस के गोले इन छात्रों पर छोड़े गए, और आपको बता दें कि कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, सीधे अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन दो दिन में पुलिस की ऐसी संवेदनहीनता देखने को मिली, जहां पर कल महिला सुरक्षा की अपनी बातों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए। अब आज नागरिकता संशोधन बिल को लेकर ये छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, एक बार फिर से पुलिस की संवेदनहीनता, और इन छात्रों पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और वो छात्र यही कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस का ये रवैया बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना की, देखिए जहां पर पटना की सड़कें किस तरीके से युद्ध का मैदान बन गई है, और छात्र और पुलिस आमने सामने, और इतना ही नहीं, अभी भी आपको बता दें कि वहां पर छात्र डटे हुए हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा तो हम गोली खाने को भी तैयार हैं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमें इस बात का आश्वासन नहीं देती कि नागरिकता संशोधन बिल को वापस लिया जाएगा या फिर महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। हम अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं, और हम ये दावा और वादा जब तक सरकार से हमें नहीं दिया जाता, आश्वासन नहीं दिया जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इन छात्रों पर लाठियां भांजी गई, पुलिस की तरफ से लगातार लाठीचार्ज जो है वो किया गया, और कई छात्र इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और नीचे हम आपको ये भी बता दें कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर किस तरीके से विपक्ष के सवाल निकलकर सामने आए, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया, संविधान के अनुच्छेद 14 का ये पूरी तरीके से उल्लंघन है, और इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर क्या किसकी राय है वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए नीचे दिखा रहे हैं। तो धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया, विपक्ष का ये सवाल है, अब इस बिल को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की मुलाकात होनी है, प्रशांत किशोर लगातार नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, अब क्या उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं, लेकिन वो नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही निकलकर सामने आएगा। तस्वीरें सबसे पहले जी बिहार झारखंड आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिस लगातार कोशिश ये कर रही है कि इन छात्रों को सड़क से खदेड़ा